हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिहार टीचर भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लगभग 1,10,000 पदों के लिए दूसरे चरण का ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है और पहले चरण का जो प्रक्रियाएं हैं वो अंतिम चरण में, ठीक है, अंतिम चरण में है। तो अगर आप शिक्षक बन गए हैं या बनना चाहते हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न होता होगा कि बिहार सरकार ने जो नया सैलरी स्ट्रक्चर जारी किया है वो कैसा है, कितना सैलरी हमको मिलेगा, ठीक है, कितना सैलरी मिलेगा। तो हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे इस सैलरी के स्कोप में कि आपको कितना सैलरी मिलने जा रहा है, इनहैंड कितना सैलरी आने जा रहा है। एक्चुअल मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल मैं बताने जा रहा हूँ। जब आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन के समय आपको कितना सैलरी मिलने जा रहा है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार टीचर की तैयारी के लिए मेरा मॉक टेस्ट शुरू हो गया है, उसको जरूर फॉलो कीजिए ताकि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो उससे रिवीजन का आपको अच्छा खासा स्कोप मिल जाएगा और वहां से आपको डायरेक्ट प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीपीएससी ने जो टीचर की ये वैकेंसी निकाली है, चार स्तर का टीचर है, ठीक है, चार स्तर पर टीचर की बहाली होती है। आपको मालूम है 1 से 5 के लिए, ठीक है, 6 से 8 के लिए, फिर 9 से 10 के लिए और 11-12 के लिए, चार स्तर पर टीचर। जैसे प्राइमरी स्कूल टीचर हो गया, मिडिल स्कूल टीचर हो गया, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल टीचर हो गया, हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर, इन चारों के सैलरी स्ट्रक्चर को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करें। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि नियमावली में जो सुधार हुआ है, बिहार सरकार ने जो नियमावली बनाई है शिक्षकों के लिए अलग से नियमावली बनाई है, उस नियमावली में एक नया सैलरी का स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ठीक है। जो 7th पे कमीशन का जो स्ट्रक्चर है उससे बिल्कुल ये डिफरेंट है, भिन्न है, अलग है, ठीक है। तो ये भिन्न है, अलग है, तो डेफिनेट रूप से इसमें क्या नया सैलरी स्ट्रक्चर जो होगा मेरा उसमें कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो जो नया स्ट्रक्चर है उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, एक्चुअली क्या है कि हमें चार तरह के पोस्ट मिले हैं, 1 से 5, ठीक है, पीआरटी टीचर, इनको 2400 ग्रेड पे के अंतर्गत रखा है, लेकिन 2400 ग्रेड पे के अंतर्गत इनको 25,000 का बेसिक मिलेगा। जबकि अगर आप 7th पे कमीशन की बात करेंगे तो 7th पे कमीशन में 2400 ग्रेड पे वाले को 25,500 की सैलरी मिलती है, बेसिक सैलरी मिलती है। वहीं 2800 की बात करेंगे तो इनकी बेसिक भी 28,000 ही रखा गया है, जबकि वहाँ इनकी बेसिक 29,000 प्लस होती है, ठीक है। वहीं 3200 ग्रेड पे 7th पे कमीशन में कहीं नहीं है, 3600 ग्रेड पे कहीं नहीं है, 2800 के बाद एक बार वहाँ क्या है, 4200 ग्रेड पे है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बिहार सरकार के द्वारा टीचरों के लिए, शिक्षकों के लिए अलग पे स्केल तैयार किया गया है। और इसी के अनुसार देखिए, 1 से 5 के लिए जो ग्रेड पे इनका रखा गया है 2400, इनका बेसिक रखा गया है 25,000। वहीं आप 6 से 8 जिसको हम लोग मिडिल स्कूल टीचर कहते हैं, 2800 ग्रेड पे है लेकिन इनका बेसिक सैलरी है 28,000, ठीक है। 9 से 10 सेकेंडरी स्कूल का टीचर, 3200 सैलरी है, इनका बेसिक जो है वो 31,000 है। और 1 से 12 के जो पीजीटी टीचर हैं, अर्थात इनको सीनियर हायर सेकेंडरी कहते हैं, तो सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी, इनको आप देखेंगे कि ग्रेड पे कितना है, 3600, लेकिन इनकी बेसिक सैलरी 32,000 है। अब इसी बेसिक सैलरी पर आपको जो भी अलाउंस है, ईयरनेस अलाउंस होगा, मेडिकल अलाउंस होगा, हाउस रेंट अलाउंस होगा, ठीक है, ये सभी अलाउंस जोड़कर आपको सैलरी मिलेगी। तो इन सभी को मैं कैलकुलेट करके आज बताने वाला हूँ डिडक्शन के साथ, ठीक है। तो चलिए पूरे विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए सैलरी में होता क्या है। बेसिक सैलरी हो गया आपका 46% डीए हो गया है। आपको मालूम होगा कि 4% डीए हाल ही में बढ़ा है केंद्र सरकार के द्वारा, तो बिहार सरकार अभी अनाउंस नहीं की है, लेकिन बहुत जल्द बिहार सरकार भी इसको अनाउंस कर देगी, तो आपका 46% हो जाएगा, ठीक है। डिडक्शन एनपीएस में जो होता है 10% होता है। डिडक्शन किसका होता है, तो डिडक्शन होता है बेसिक सैलरी का और डीएनएस अलाउंस का जोड़ने के बाद जितना आता है उसका 10% डिडक्शन होता है, ठीक है। हाउस रेंट, हाउस रेंट में देखिए कई जगह आपको हाउस रेंट अलग अलग मिलेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, तो हाउस रेंट वहाँ 5% मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र में अगर पोस्टिंग होती है, तो शहरी क्षेत्र में या मतलब सेमी शहरी क्षेत्र में होगी तो वहाँ 8% मिलेगा। मेडिकल अलाउंस सब जगह आपको बराबर मिलेगा। उसके बाद हम लोग इन हैंड सैलरी की बात करने वाले हैं कि आपके हाथ में कितना पैसा है, ठीक है। तो प्राइमरी स्कूल की बात कर ले, प्राइमरी स्कूल का जो टीचर होंगे उनको 25,000 का ग्रेड पे बेसिक सैलरी है इनकी, ठीक है। बेसिक सैलरी क्या है, 25,000 का, 25,000 पर 46% उनको डीओ देखिएगा तो कितना आ जाएगा, 11,500। इन दोनों में से जोड़ने के बाद इसको घटा दीजिए, ठीक है, तो 36,500 घट जाएगा इनको जोड़ने के बाद। उसके बाद उसमें मेडिकल अलाउंस को, एचआरए को जोड़ दीजिए 8%, मेडिकल अलाउंस को जोड़ दीजिए, जितना बचता है वही सैलरी है। मतलब इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलेगा, इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा 35,850 रुपये कटने के बाद, ठीक है, कटने के बाद आपके हाथ में जो सैलरी आएगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपका जो एनपीएस में डिडक्शन होता है, जितना आप एनपीएस में डालते हैं, मतलब जिसका जितना आपके सैलरी से कटता है 10%,
और गवर्नमेंट उसमें कुछ ज़्यादा लगभग 12% उसमें अपना योगदान देती है। ठीक है, उसी तरह अगर मिडिल स्कूल की बात कर लेंगे तो मिडिल स्कूल के टीचर की बेसिक कितना है 28,000 और उनको डीए की बात कर लेंगे तो 12,880 कुल जोड़ने के बाद उसमें 4,088 रुपये घट जाएंगे डिडक्शन एनपीएस में। फिर उसमें आप मेडिकल ये एचआरए हाउस रेंट जोड़ दीजिए, मेडिकल जोड़ दीजिए, उनको इन हैंड सैलरी 40,000 मिलेगी। ये मिडिल स्कूल के टीचर को 40,000 सैलरी मिलेगी। वहीं बात कर लेते हैं सेकेंडरी स्कूल के टीचर जो मतलब ये हो गए 1 से 5, ये हो गए 6 से 8, ये हो जाएंगे 9 से 10th। ठीक है, तो 9 से 10th के लिए सैलरी कितनी मिलेगी इनको, तो इनको सैलरी मिल जाएगी दोस्तों, ये हो गया इनका 31,000 बेसिक, और बेसिक पर आपको 46% का डीए, उसके बाद इतना आपको एनपीएस में डिडक्शन 4,526 रुपये, उसमें आपको एचआरए जोड़ देना है। ठीक है, एचआरए जोड़ देना है प्लस मेडिकल जोड़ देना है, तो आपको कितना मिल जाएगा इन हैंड, आपको मिल जाएगा इन हैंड आपको मिल जाएगा कितना 44,214 रुपया। लेकिन दोस्तों इस सैलरी में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है अगर आप शहरी क्षेत्र में, ठीक है, शहरी क्षेत्र में अगर पोस्टिंग होगी तो सैलरी में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, कहाँ होगा मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ये हो गया सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी मतलब आप समझ गए होंगे 11 से 12। ठीक है, 32,000 उनकी बेसिक, ईयरनेस अलाउंस हो गया उसका 14,720 रुपये, और उसमें से इनका डिडक्शन हो गया 4,672 रुपये, इनका एचआरए हाउस रेंट अलाउंस हो गया 2,560 रुपये, मेडिकल अलाउंस ये हो गया, और इन हैंड इनको 45,608 रुपये इन हैंड आने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इन हैंड सैलरी हो गया। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो थोड़ी सी सैलरी जो होगी वो घट जाएगी, कितनी घट जाएगी 3% एचआरए। ठीक है, 3% एचआरए घट जाएगा। अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी कब, जब आप शहरी क्षेत्र में होंगे तो बहुत शहरी क्षेत्र में जैसे पटना वगैरह है, ठीक है, पटना वगैरह है वहाँ एचआरए ज़्यादा है 16%। ठीक है, जबकि आपको मुजफ्फरपुर और सारे जितने भी शहर हैं वहाँ आपको एचआरए 8% है। इसके अतिरिक्त आपको अनुमंडल स्तर पर, ठीक है, अनुमंडल स्तर पर अगर पोस्टिंग होती है तो वहाँ एचआरए कितना है, वहाँ एचआरए 6%। तो इसके अनुसार आपके सैलरी में वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, मैं एक अनुमान लेकर आपको 8% का लेकर चला हूँ, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग होती है या मतलब सेमी शहरी क्षेत्र में होती है तो 6%, और ग्रामीण क्षेत्र में होती है तो 5%। तो ये सैलरी में आपको वेरिएशन कर सकता है, 500 से लेकर 1,000 रुपये तक का वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं, मतलब शहरी क्षेत्र का कहने का मतलब हो गया कि नगर निगम के क्षेत्र, ठीक है, अगर आपकी पोस्टिंग नगर निगम निगम के क्षेत्र में है तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाता है। ठीक है, और ये ट्रैवलिंग अलाउंस 600 और 600 का जितना जैसे जैसे डीए बढ़ेगा आपका ट्रैवलिंग अलाउंस भी उसी तरह बढ़ता जाएगा 600 का डीए। ठीक है, इस प्रकार से सैलरी में यही अंतर पैदा करता है। ठीक है, तो ये अंतर पैदा करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1,000 से 1,500 के आसपास में सैलरी का डिफरेंस होगा, 2,000 के आसपास में बहुत हो गया 2,000, इससे ज़्यादा का सैलरी में आपका डिफरेंस नहीं आने वाला है अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग होती है। इस प्रकार से आपने देख लिया कि सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है, कितना सैलरी आपको मिलने वाला है, एक बार फिर से देख लीजिए। प्राइमरी स्कूल के टीचर को इन हैंड आने जा रहा है 35,850, मिडिल स्कूल के टीचर को इन हैंड आने जा रहा है 40,032, और सेकेंडरी स्कूल को आने जा रहा है 44,214, और हायर सेकेंडरी का आपको 45,608। सैलरी में आपको डिफरेंस 1,000 से 1,500 के आसपास में अगर आपको शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में होती है तो हो सकती है। ठीक है, जैसे जैसे डीए बढ़ेंगे आपकी सैलरी वैसे वैसे बढ़ेगी, साथ साथ आपको वार्षिक इंक्रीमेंट जो मिलता है वो वैसे जो बिहार सरकार का रूल है उसके अनुसार आपको वार्षिक इंक्रीमेंट भी मिलता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके सैलरी में भी इजाफा होता जाएगा। तो इस प्रकार से आपने सारे स्ट्रक्चर को देख लिया है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसे जरूर क्लियर किया जाएगा। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट को अभी तक आप नहीं फॉलो किए हैं तो मॉक टेस्ट को फॉलो कीजिए, इसमें आपको कम्प्लीटली आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में उस तरह के प्रश्नों का इसमें कलेक्शन किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है इसमें। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल्स और टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ अपडेटेड और नई वैकेंसी वगैरह के बारे में भी अपडेट जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के पास। चाहता अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो डेफिनेट रूप से लाइक कीजिए और अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँच पाए और वो भी जान पाए।